इसके बीच में फिर जुड़ते रहते हैं। कलेक्टर के तरफ से जो भी साथी अभी तक हमारे साथ जुड़ पाए हैं सभी को मैं इनकलाब जिंदाबाद पेश करता हूँ और आज के चर्चा में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। आज हम लोग का टॉपिक हम लोग जो रखे थे विस्थापन के दम पर विकास या डेवलपमेंट दैट डिस्प्लेसेस लाइफ, ये टॉपिक हम लोगों ने ऐसे टाइम पे रखा है जब हम लोग कोविड के महामारी के काल से गुजरे और हम लोगों ने देखा कि एक तरफ जब पूरे दुनिया में जो मेहनत कश आबादी है उनके रोजगार और पेट पे लात पड़ी, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से खराब क्राइसिस में चली गई, उस समय हम लोगों ने देखा कि उसी वक्त जो सबसे बड़े कॉरपोरेशन है उसके हितैषी जो सरकारें हैं उन्होंने अपने नीतियां को लागू करने के लिए इसको आपदा को अवसर में बदल दिया। तो जिस समय देश की अधिकतर आबादी गंभीर संकट में जूझ रही थी उसी समय ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि जो सबसे ऊपर का 1% है, जो टॉप 1% है देश में, उनकी कुल संपत्ति 77% तक जाके बढ़ गई। जो निचला 20% है उनकी एक हद पे अगर सैलरी और इनकम गिरी तो जो टॉप 20% है उनके इनकम में 39% ग्रोथ हुआ। तो ये जो इनइक्वालिटी की बार बार हम लोग बात करते हैं अक्सर हम लोग हमारे लिए सिर्फ नंबर बन के रह जाते हैं, लेकिन ये इनइक्वालिटी किस ग्राउंड के ऊपर खड़े होके पैदा हो रही है इसको समझने के लिए आज का चर्चा रखा गया। कोविड लॉकडाउन लगाने के बाद हम लोगों ने देखा कि जिस समय सबसे ये जो इनकम की क्राइसिस चल रही थी उसी समय असम के मिकिर बामुनी ग्रांट एरिया में जो गांव थे वहां पे जेसीबी लाए गए और जेसीबी जो वहां की जो खेती बाड़ी होती है उसको पूरे तरीके से ध्वस्त किया गया। तो जहाँ पे खाद्य सुरक्षा को लेके बहुत बात हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी आंसू बहा रहे थे कि खाद्य सुरक्षा वो नहीं एंश्योर कर पाए हैं, उसी समय मिकिर बामुनी के गांव में जेसीबी लाए गए थे। और ये इसलिए लाए गए थे कि मिकिर बामुनी में 13 मेगावाट की एक प्लांट लगाई जाने वाली है एज्योर पावर 40 लिमिटेड द्वारा, जो असम स्टेट पावर कॉरपोरेशन के साथ मिलके सोलार पार्क बनाना चाहती है। ये वही जगह है जहाँ पे कार्बी और आदिवासी गांववासी रहते हैं जो सदियों से प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बना के रही है। अभी भी मिकिर बामुनी में हम एलिफेंट ट्रैक पाते हैं, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट के साथ साथ वहां पे अभी भी एलिफेंट ट्रैक प्रकृति का एक हिस्सा है। ये वो भी समय है उसके बाद से एक साल होने को आया है, एक साल से ऊपर, जब मिकिर बामुनी के गांववासी संघर्षरत है और अज्योर पावर कंपनी और सोलार पार्क के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। इसके बीच में काफी स्टेट रिप्रेशन हुए हैं, काफी अरेस्ट हुए हैं, इसके बावजूद भी वो लोग संघर्षरत हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जगत सिंहपुर के कुछ गांव जो पहले हमारे लिए दुनिया के इतिहास में एक हिसाब से दर्ज हुए जब उन्होंने 2017 में पॉस्को जो साउथ कोरिया की एक बेहद बड़ी एमएनसी है, माइनिंग कंपनी है, उसको उखाड़ के फेंका और नवीन पटनायक के बीजू जनता दल सरकार के साथ जो नेक्सस था उनका उसको देश के सामने बेनकाब किया। तो पॉस्को को हराने के बाद जब उनको उम्मीद थी कि उनकी जो जीवन जीविका है उसको वो वापस उनको मिलेगा, उसी के बाद से हमने देखा कि उड़ीसा सरकार ने उस जमीन को लगभग 2700 एकड़ जो जमीन थी उसके बाहर से फेंसिंग करने शुरू किए और आज कहा जा रहा है कि जिंदल स्टील को ये जमीन सौंप दिया जाएगा। और ये दो घटनाएं सिर्फ नहीं है, देश में तमाम ऐसे घटनाएं घट रहे हैं लेकिन हर जगह पे इसके खिलाफ विरोध नहीं हो पा रहा है। हम जानते हैं कि बंगाल के बीरभूम जिला में भी देवचा पचामी एक इलाका है
जहां पे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कोल माइन बिठाने की बात की जा रही है ममता सरकार के द्वारा। और इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि ऐसे अलग अलग तमाम तरीके के विस्थापन के दम पर विकास की बात होने लगी। तो इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा में घुस रहे हैं। हमारे साथ दो वक्ता है जो लंबे समय से विस्थापन विरोधी आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे हैं और खास करके उड़ीसा और असम की आज जो हकीकत है उसको हमारे सामने रखेंगे। हमारे पहले वक्ता है डॉक्टर वसुंधरा जयराम, जो आईआईटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है डेवलपमेंट स्टडीज की। उनका काम है लैंड और डेवलपमेंट को लेकर, और पिछले एक से डेढ़ साल के बीच में मिकिर बामुनी के संघर्षरत गांववासियों के साथ वो खड़े रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट रिलीज किया है एक टीम के साथ, जो बताती है कि किस तरीके से असम टेनेंसी एक्ट के कानून को वायलेट करके मिकिर बामुनी में लैंड ग्रैब किया जा रहा है। तो वो हमारी पहला वो पहला वक्ता रहेगी आज। और साथ साथ हमारे साथ है कॉमरेड रंजना पाधी, जो कि एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है। लंबे समय से वो महिला आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन के साथ जुड़े रही हैं, साथ ही विस्थापन विरोधी आंदोलनों में भी वो हमेशा रही है। और एक सीनियर एक्टिविस्ट के तौर पे, एक रिसर्चर के तौर पे आज हमारे बीच में अपने अनुभव को भी रखेगी और खास करके जगत सिंहपुर में आज क्या हालत है उस पर अपना बात रखेगी। हाल ही में उनका एक किताब आया है जिसके वो को राइटर है, जिसका नाम है रेजिस्टिंग डिस्पोजिशन दी उड़ीसा स्टोरी। तो उड़ीसा में 80 के दशक के बाद से जितने भी इस तरीके से मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहे हैं जो विस्थापन के ऊपर खड़े रहे हैं, इसको लेके उनका काम भी रहा है। तो हम आगे जाके और सवाल जवाब भी करेंगे आज के वक्ताओं के साथ, लेकिन सबसे पहले मिकिर बामुनी और जगत सिंहपुर में आज क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, उस पर अपनी बात रखने के लिए मैं डॉक्टर वसुंधरा को बुलाना चाहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें। यहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी कर रहे थे वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अर्लीस्ट पोजेशन का प्रूफ है वो 1948 से है। जो लोगों के पास जिस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिखा रहता है साफ साफ कि पीरियड ऑफ पोजेशन। वो जो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तो 1948 जो अर्लीस्ट पीरियड ऑफ डेट ऑफ पोजेशन इनके हाथ में थी। वो लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। जो असम टेनेंसी एक्ट है वो कहता है कि कोई भी किसान अगर 3 साल कंटिन्यूसली एक जमीन पर खेती करे एज अ टेनेंट, तो उनको इनहेरिटेबल ऑक्यूपेंसी राइट्स मिलते हैं उस जमीन के। ये डॉक्यूमेंट जो है वो कई लोगों को मिला। ये एक्ट जो है वो 1971 में आया है, बहुत तगड़ी संघर्ष के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग पेजेंट मूवमेंट अराउंड लैंड स्ट्रगल्स एंड लैंड राइट्स इन असम, उसकी देन है ये कानून। और उस आंदोलन के चलते 80s में, अर्ली 80s में इन लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स मिले। तो एक तरफ पे तो इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको नकारा गया, जिनको सेटल नहीं किया गया। और इंस्टेड जो उन्होंने किया, जो स्टेट ने किया, स्टेट ऑफिशियल सर्कल ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस, डीसी ऑफिस ने जो किया, वो सारा जो लैंड है, जो ओरिजिनल ग्रांट होल्डर जिनको फी सिंपल ग्रांट मिला था, उनको उनके डिसेंडेंट्स को जमीन बांट के, छोटे छोटे पार्सल्स में बांट के 8 डिसेंडेंट्स में ये 276 बीघा ट्रांसफर कर दिया एज एक्सक्लूसिव प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे मियादी पट्टा बोलते हैं, बिना रैयतों के अधिकारों को सेटल करे हुए। ये कह के कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट है ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, ये कभी फाइनल नहीं हुआ, जबकि इन डॉक्यूमेंट्स पर डीसी ऑफिस का स्टैंप है, सिग्नेचर है, 81 के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, वो स्टेट को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज ऑल द स्टेट डज इज कि हम कह देते हैं कि ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है और वहां पर मामला खत्म हो गया। कहीं उन्होंने बोल दिया कि जिन डॉक्यूमेंट ठीक है, वैलिड है, लेकिन एक्चुअली ये डाक नंबर अभी चेंज कर दिया, नया डाक नंबर दे नहीं रहे हैं, और क्योंकि लोगों के पास पुराने डाक नंबर के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि
ये किसी और जमीन, इट परटेन्स टू सम अदर लैंड, आपकी जमीन कहीं और है, वो जमीन कहाँ है वो आज तक किसी को दिखाई नहीं है या बताया नहीं है। तो एक तरफ पे जो असम टेम्पररी सेटल टेनेंसी एक्ट 71 है उसका साफ साफ उल्लंघन किया है, जो बहुत एक प्रोग्रेसिव लॉ है और जिसमें ये भी कहा है कि एक बार आपको ये अधिकार मिल गया, आपका खतियान में नाम लिख दिया, उसके बाद आपको एविक्ट करना एकदम आसान नहीं है, आपको एक कोर्ट के थ्रू ऑर्डर भेजना पड़ेगा एविक्शन के लिए, एंड दैट ऑल्सो डजंट इंश्योर एविक्शन। तो किसी को यहाँ पर आज तक कोई एविक्शन नोटिस नहीं मिला है, बिकॉज स्टेट का ये मानना है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, वो ड्राफ्ट थे, वो क्यों बने, ड्राफ्ट क्यों बना, और अगर ड्राफ्ट बना फाइनलाइज क्यों नहीं हुआ, इस पर कोई बहस नहीं हुई है। सीधे सीधे तौर पर उसको नकार कर जो जो उनकी मतलब जो पेजेंट्स की फार्मर्स की एग्जिस्टेंस है उसको एक तरीके से इनविजिबलाइज भी नहीं कहूंगी उसको, it has been what's the word, their existence itself has been I don't know what to say, right? They have not been acknowledged as having been there, not recorded, ki wo wahan not recorded, they're not on records, they're not on record. I mean, and the funny thing is that they are on record, but it has simply been declared that they are not there, they don't work on this land, and right, so unko matlab wo historical usse हटा दिया है उनकी एग्जिस्टेंस को। एक तरफ से ये टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन किया है, दूसरी तरफ से एक लैंड सीलिंग एक्ट है जो कहता है कि 50 बीघा तक किसी की जमीन हो सकती है, उससे ऊपर जो भी होगा उसको डीसी ने एक्वायर करना है, और उस पर अगर किसी के राइट्स हैं तो उनको सेटल करने हैं, उसके बाद अगर कोई जमीन खाली पड़ी है तो वो स्टेट के पास जाएगी। तो लैंड सीलिंग एक्ट का भी साफ साफ उल्लंघन किया है ये करके कि क्योंकि 50 बीघा का सीलिंग करा है तो उन्होंने 276 बीघा को 8 पार्सल्स ऑफ अंडर 50 बीघास में 8 फैमिली मेंबर्स में बांट दिए, जो भाई बहन है, जो कोर्ट में रिकॉर्डेड है कि भाई बहन है। सो वेरी क्लियरली इन अ बिड टू बाईपास द लैंड सीलिंग एक्ट, क्योंकि उन्होंने 50 बीघा के नीचे किया है, बट ये साफ साफ एक फ्रॉड लैंड डीलिंग है, जो अगेन द स्टेट्स मैकेनिज्म इन ऑल ऑफ दिस हैज बीन कि भाई हम आपको जवाब ही नहीं देंगे। एनीवे मैं स्टेट के रिस्पॉन्स पे बाद में आ जाती हूँ। तो एक तरफ से लैंड सीलिंग एक्ट का बड़ा साफ उल्लंघन किया है, छोटा असम टेनेंसी एक्ट का साफ उल्लंघन किया है, जो एलिफेंट कॉरिडोर की बात करी थी शौर्या ने शुरुआत में, वो भी एक स्टेट मनूवर, ऑफिशियल मनूवर में करके अपनी भी पोजीशन का ध्यान रखते हुए, जो डीएफओ ने एक क्लियरेंस दिया कि यहाँ पे कोई नोटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है, और इस आधार पर एनओसी दे दिया। बट एनओसी देने का आधार सिर्फ ये नहीं हो सकता कि ये एक नोटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर है कि नहीं, क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर की नोटिफिकेशन बहुत ही कम इलाकों में हुई है, एंड ज्यादातर जहाँ पे रोड क्रॉसिंग है, हाईवेज क्रॉसिंग है, उस तरीके के आसपास के एरियाज को कॉरिडोर के कॉरिडोर की नोटिफिकेशन करी गई है, लेकिन हाथियों के आने जाने के रस्ते, एलिफेंट मूवमेंट एरिया जिसको कहते हैं, एलिफेंट हैबिटेट, वो उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। तो ये कह के, क्योंकि ये नोटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये साफ दिखाई देता है लोगों से बात करके, ये साफ है कि ये हाथियों के आने जाने के रास्ते में के बीच में पड़ता है, उसका बहुत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप जब बाउंड्री उनकी बनने से पहले एकदम हल्का हल्का सा जो काम शुरू हो रहा है प्लांट का, उसके बीच में बीच दिन में हाथी जाते हुए नजर आता है, उसका वीडियो है। फेंस कितनी बार तोड़ी गई है, उनकी जो वायरिंग है वो कई बार, तीन चार बार
जो नॉन एग्रीकल्चरल सीजन में, उसका मतलब वो धान खाने नहीं आ रहे हैं, मतलब धान खाने नीचे नहीं उतर रहे हैं. दिस प्लेस इज एट द बॉर्डर ऑफ कार्बी अंगलोंग, कार्बी हिल्स. तो पहाड़ से नीचे उतरकर जो डीएफओ ने एक बार बोलने की ये कोशिश करी कि अरे ऐसा नहीं है कि यह हाथी आने जाने का रास्ता है, कभी कभार खेती बाड़ी के सीजन में धान रहने से वो लोग आते हैं. तो ये नॉन एग्रीकल्चरल सीजन में एटलीस्ट 4-5 बार फेंस तोड़ी गई. उसका साफ मतलब है, और उसका मतलब कि हाथी तो दे कुड हैव कम सेवरल टाइम्स, लेकिन फेंस तोड़ने का एविडेंस अकेले 4-5 बार है. तो इन किस्म की घटनाएं हम देखते हैं कि यू नो हर लेवल पर हम देखते हैं, जहां जहां कोई भी ऑफिशियल प्रोसीजर था, कुछ भी जो मैंडेटेड एक प्रोसेस रहता है वो हर लेवल पर उसको तोड़ा गया. मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगी, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा. बट बहुत सारे झूठ फैलाए गए लोगों को, एक बेसिकली लोगों में एक किस्म का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया, जिससे उनको लगा कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमको जितना थोड़ा बहुत ये जो सो कॉल्ड जमींदार हैं, जो थोड़ा बहुत वो हमें पैसा दे रहे हैं, वो हमको लेके यू नो यू मेक योर बेस्ट डील, इससे ज्यादा मिलने नहीं वाला है. क्योंकि ये झूठ फैलाया गया कि हमारे पास कागज नहीं है, हमारे पास इस जमीन में कोई अधिकार नहीं है. उस पर अगर कोई सवाल हो बाद में तो आई कैन क्लैरिफाई इट लेटर इन टर्म्स ऑफ द डिटेल्स ऑफ दैट प्रोसेस. तो ये मेन जो वायलेशंस रहे थे. उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात आती है, उसमें कई बार पुलिस को लाया गया लॉकडाउन के बीच में. जो पहला लॉकडाउन था, जब एकदम मूवमेंट वाज नॉट अलाउड एट ऑल कुछ भी ग्रुप्स में, उसके बीच में उन्होंने बोला कि आप बोल दीजिए आप थाना आ रहे हैं और आप 8-10 लोग आप आ जाइए, आपको आने देंगे. तो उस समय जब इन सारी रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने की बात आती है, तो उसको वो तोड़ दिया. लेकिन क्रूशल मोमेंट्स पे, जब उनकी हरी भरी धान की खेती थी और उस समय द लैंड वॉज टू बी हैंडेड ओवर इन टू द पोजेशन ऑफ अज़ूर पावर, उस समय कोविड का इस्तेमाल करके जो एक कोर्ट ऑर्डर आया उस प्रोसेस को रोकने का, उन्होंने 3 दिन तक खोला नहीं जब तक दे रेज डाउन द पैडी. 200 बीघा का पैडी को उन्होंने नष्ट कर दिया और ऑर्डर नहीं खोला ये कह के कि कोविड प्रोटोकॉल है, हमको 48 घंटे इंतजार करना पड़ेगा इससे पहले कि हम इसको खोलें. लेकिन जब पुलिस थाने में बुलाना था, तो बीच लॉकडाउन के, बीच कोविड के इसमें उन्होंने ये आई क्लिक्ड ऑन समथिंग एंड वो वीडियो चला गया. तो बीच लॉकडाउन में उन्होंने लोगों को इस तरीके से बुलाया, रेगुलेशन तोड़ के, उस टाइम का जो भी रिस्ट्रिक्शन था उसको तोड़ के लोगों को गलत बोल के कि आप आइए हमसे बात करिए. फिर लोगों को अंदर जेल में रखा, डिटेंशन में रखा एक पूरे दिन, बिना खाना बिना पानी. किसी को, एक जन को अलग से बुला के धमकाया, फिर पैसों का प्रलोभन दिया, तरह तरह की चीजें हुई. जो लोग लीडर जो आइडेंटिफाई हुए उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि भाई ये लोग हैं जो ज्यादा वोकल हैं, तो उनको अलग अलग फोन आए, पैसों का प्रलोभन दिया कि आप 20 लाख ले लो, अपने ग्रुप को संभाल लो. दूसरी तरफ कम से कम डिटेंशन के अलावा 2 बार कई लोग अरेस्ट हुए. पहली बार मई में करीब 13 लोग थे जो जेल में रहे, 10 दिन नॉर्मल जुडिशियल रिमांड में रहे. उसके बाद कई बार कंपनी ने जब जमीन का पोजेशन लेने की कोशिश करी, तब लोगों ने काफी जमकर विरोध किया और तब काफी पुलिस रिप्रेशन हुई. एक बार होने लगी थी, फिर लोकली वहां पे टीवा ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन होने जा रहा था, तो चीजें थम गई थोड़ी देर तक. बट तुरंत इलेक्शन के बाद वो दोबारा आए, पुलिस के साथ आए, एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ, उसमें बहुत भयंकर पुलिस की बर्बरता हुई.
एक आदमी को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया, और जब उन्होंने बोला कि भाई इसको संभालो, ये बेहोश हो गया, लोगों ने मना किया, उन्होंने कहा कि आपने ये काम किया तो अब आप इनका ध्यान रखोगे, आप इनको संभालोगे। उल्टा उन्होंने बेहोश आदमी को उठा के थाना ले गए और वो जेल में रहे उसके बाद 2 महीने से ज्यादा। उस रात को फिर बीच रात में एक मिडनाइट रेड होता है, लोगों की खिड़कियां तोड़ के अंदर घुस गए घरों में और 3 और लोगों को अरेस्ट किया बीच रात में। और उसके बाद भी वो लोग हर रात आके एक मतलब आतंक का माहौल फैल गया था। जो आदमी थे ज्यादातर वो लोग पहाड़ में, उनको छुपना पड़ा। महिलाएं बच्चे थी सिर्फ घर पर, तो डर और आतंक का माहौल काफी भयंकर रहा कई दिनों तक। उसके बाद तो 4 लोग जेल में रहे 2 महीने तक। बीच में इसके एक स्टे ऑर्डर आया तो थोड़े टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क रुका। फिर मार्च के महीने में 4 लोगों की रिहाई हुई फाइनली। उस सारी प्रक्रिया में भी कोविड का बड़ा इस्तेमाल किया सारी चीजों को डिले करने में। तो फॉल्स केसेस रहे हैं, एक औरतों को आदमियों ने पीटा, लाठी चार्ज करी। एक महिला जो प्रेग्नेंट थी उनकी मिसकैरेज हुई क्योंकि उनको पेट पर लात मारा उनकी, और उनकी मिसकैरेज जो है वो आज तक ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं करी जाती है क्योंकि वो कहते हैं कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है एक SHRC में, यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट दर्ज किया उसी पुलिस बर्बरता के बारे में, उसमें उनकी इंक्वायरी में DM से जो रिपोर्ट आई है, इंक्वायरी रिपोर्ट जिसको उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने इस फैक्ट को वेरीफाई किया है गांव बूढ़ा से, जो 2 आदमियों का नाम लिखा है गांव बूढ़ा, जो ग्राम प्रधान जिसको बोलते हैं, उनसे बात करके रिपोर्ट में लिखा है कि वी ट्राई टू वेरीफाई वेदर यू नो सो एंड सो वाज प्रेग्नेंट एंड दे सेड दैट शी वाज नॉट। मतलब इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन का कोई मायने नहीं है कि गांव बूढ़ा क्यों है द पर्सन जो इस बात को वेरीफाई करेगा गाँव में। तो इस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हम देखते हैं। जो फाइनली दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम हुआ वो सेकेंड वेव के लॉकडाउन के एकदम बीच में हुआ। CRPF वगैरह को फोर्सेस को लाकर एक पूरा एक डर का माहौल पैदा कर ये इंश्योर कर कि कोई रेजिस्टेंस ना हो पाए टू द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो अभी जो है इस सबके बीच में अज्योर पावर बिजली चोरी करते हुए अपेरेंटली पकड़ा गया, जिसके खिलाफ APDCL ने एक पुलिस केस भी दर्ज करी थी जिसका ऑफ कोर्स कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। सो जहां अज्योर पावर ने एक पावर परचेज एग्रीमेंट APDCL जो स्टेट की पावर कंपनी है उनके साथ साइन करा है कि हम आपको ये सोलर पावर बेचेंगे, उन्हीं से ये सोलर पावर कंस्ट्रक्ट करने के लिए We are told by people over there कि वो लोग बिजली चोरी कर रहे थे। तो इस किस्म की चीजें वहां पर हुई हैं, जो रेस्पॉन्स वेरी ब्रीफली आई डोंट वॉन्ट टू टेक टू मच टाइम, जो रेस्पॉन्स के तौर पर आया है, कंपनी इनिशियली तो काफी हड़बड़ा गई थी, उनको पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी से ये देखने को मिल रहा था कि उनको काफी दिक्कत हो रही थी। कुछ जर्नलिस्ट को फोन करके धमकाया भी, मुझसे मिलने आए कि हम आपसे बात करने आए हैं, आप ये लिख रहे हैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन गैप है, तो उनको दिक्कत हो रही थी इन सब चीजों से। एंड दे वर अटेम्प्टिंग टू रीच आउट टू जो लोग लिख रहे हैं सिर्फ अंग्रेजी में, मुझसे आके उन्होंने बोला कि आई थिंक पहली बार मीडिया में तभी आया जब आपने ये वायर में आर्टिकल लिखा। तो मैंने बोला नहीं, ये असमीज मीडिया में तो कब से जब से ये किस्सा शुरू हुआ है तभी से ये चल ही रहा है। तो उनको अंग्रेजी की मीडिया में लिखने से और इन सब चीजों से काफी दिक्कत होती है। उन्होंने हम में से कई लोगों को एक बड़ा थ्रेटनिंग सा लीगल नोटिस भेजा है, कई सारे मीडिया हाउसेस को जहां पे आर्टिकल्स छापे हैं, जहां पे इंटरव्यूज निकले हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आई है उसके खिलाफ, मेरे आर्टिकल्स के खिलाफ कई सारे लोगों को मिलाकर एक थ्रेटनिंग एक लीगल नोटिस भेजा है कि आप ये जो झूठ छाप रहे हो इसको ये बंद करो आप, और अगर आप अपोलोजाइज करके इन आर्टिकल्स को विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे।
तो इस तरीके की इस ये अज्योर पावर की रेस्पॉन्सेज रही हैं एंड दे कीप सेइंग कि हम सारे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कागज उनके पास है. दिस इज द आयरनी ऑफ इट कि कागज उनके पास है क्योंकि सारी झूठी रिपोर्ट्स के आधार पर उनको सारी क्लियरेंसेस सारी परमिशंस जो उनको चाहिए वो हैं. और इसी वजह से कम्युनिटी ने जो कनेडियन फंड है जिनका 50% स्टेक है अज्योर पावर में उनको जब कंप्लेन करके लिखा कि यू आर अ सिग्नेटरी टू यू नो मेकिंग रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट्स, तो उनका रेस्पॉन्स आया है कि हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका अगर और कोई यहाँ अब इशू है तो यू मे टेक इट अप विद द कंपनी. सो उनको इससे सारा वो एक क्लीन चिट मिल गया है क्योंकि उनके पास सारे एनओसीज हैं, सारे इस किस्म के क्लियरेंसेज हैं. स्टेट इज साइलेंट. स्टेट ना कुछ ना उन्होंने केस में भी जो कोर्ट में केस भी चल रहा है उन्होंने आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दी है. जो भी कोर्ट पेपर्स मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं. डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बहुत बहुत गलत डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए हैं और कोविड के चलते सब थमा हुआ है कोर्ट में अभी. तो स्टेट का मेन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से एक तरफ से साइलेंस है. डीसी ने ये बोल दिया है कि ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब सारी चीज नकार के, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं नहीं है कि यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल टू दैट. जो नया मिनिस्टर है वो जो नया एमएलए है इस कंस्टिट्यूएंसी का वो ही वेंट एंड विजिटेड द प्लांट आफ्टर कमिंग टू पावर पिछले साल, बट did not meet the people जिनका पंडाल प्लांट साइट के एंट्रेंस पे लगा हुआ है. सो ये नई गवर्नमेंट जो पिछले एमएलए थे वो चुप थे ना, वो एक्टिवली उन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया, उन्होंने रिकग्नाइज ही नहीं करा कि ये मेरी कंस्टिट्यूएंसी में एक मुद्दा है और सारे प्रोसेस को चलने दिया by being silent. लेकिन अभी के एमएलए का हम देखते हैं कि एक बड़ी एक्टिव सपोर्ट है एंड अदर किस्म के इंटरेस्ट सुनने में आते हैं उस जनरल एरिया में है. तो ये हम देखते हैं तरह तरह किस्म के जो रेस्पॉन्सेज है. फाइनली इन जस्ट वन मिनट आई वॉन्ट टू से कि जो मैंने शुरुआत में बोला कि एनर्जी का ये मामला है जो हम इस सब चीज में देखते हैं, ऑल द थिंग्स दैट आई हैव रिकाउंटेड, कि इसमें ये सोलार कंपनी है और प्रदूषण पैदा नहीं कर, जो ऑल्सो एक कंटेस्टेड फैक्ट है कि प्रदूषण नहीं पैदा करती है. जो फोटोवोल्टाइक शीट्स बनते हैं वो उसका मटेरियल क्या है, उनका डिस्पोजल मैकेनिज्म क्या है, जब आप लार्ज स्केल पर इस किस्म के पैनल्स लगाते हैं तो जमीन पर उसका क्या असर पड़ता है. कर्नाटका में बहुत भयंकर भयंकर स्केल का, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स उन्होंने आई थिंक 10,000 एकर्स का एक फार्म है. एक मध्य प्रदेश में केस था, मुझे लोकेशन एकदम यहाँ पे इस समय याद नहीं है, बट जो फैक्ट फाइंडिंग टीम मेंबर्स थे उन्होंने इन प्लांट्स पर इन प्रोजेक्ट्स मतलब वो वहां पे गए हैं, उस पर स्टडी वगैरह किया है और वो बात कर रहे थे कि पहली बार एक जगह फ्लड आया मध्य प्रदेश में क्योंकि जमीन इतनी मतलब हार्ड और सूख चुकी थी. चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ द लैंड जब आप इस किस्म के स्केल पे करते हैं, जो अभी 300 बीघा है बट उसका एक्सपेंशन का हमेशा एक किस्म का स्कोप रहता है. तो उसकी एक तो क्लीन और ग्रीन होने पर भी सवाल खड़ा करना होगा कि सोलार ऐसा नहीं है कि सोलार है तो क्लीन है. सोलार आप कितनी प्लेट्स डाल रहे हैं, किस स्केल पर डाल रहे हैं, किस किस्म की जमीन ले रहे हैं, उस जमीन पर क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है. एंड फाइनली अगर आप लोगों की जमीन लेके, जो फर्टाइल लैंड है, खेती बाड़ी की जमीन लेके आप उस पर कुछ भी डाल देंगे तो उसको हम क्लीन या सस्टेनेबल या ग्रीन एनर्जी नहीं कह सकते हैं. सो द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द प्लांट, उसके जो प्रोडक्शन रिलेशंस हैं उस पर हमको इवेंचुअली ध्यान देना होगा. और सिर्फ उसको सोलार के तहत देखते हुए मैं आज ही पढ़ रही थी कि हमारे बजट में इस बार इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन इंसेंटिव, PLI प्रोडक्शन समथिंग इंसेंटिव, क्या है, आई कांट हियर यू, सॉरी, यू आर हेल्पिंग मी आउट बट
प्रोडक्शन व्हाट? हाँ, तो उसमें अभी सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स बनाने का आई थिंक द टोटल अमाउंट इज कमिंग टू समथिंग लाइक 60,000 crores या ऐसे कुछ का है, 75,000 crores. पहले भी एक छोटा अमाउंट था, इस बार बहुत काफी ज्यादा, या 25,000 crores में भी. सो एक बहुत भयंकर एक पुश है सोलर पावर के लिए, और इस किस्म की सब्सिडी से जो स्केल है उसके लिए ओनली पीपल विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल आर द वंस जिनको इन किस्म की सब्सिडीज और टैक्स एग्जेम्पशंस या प्राइस रिडक्शंस एटसेट्रा की एडवांटेज मिलेगी. तो वी नो कि इसका एडवांटेज सिर्फ कॉरपोरेट्स ही ले सकते हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं वही ले सकते हैं. ये स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज सोलर जो you know, it's not about abandoning or critiquing the very idea of solar or clean energy, but clean energy को हम एक isolation और abstraction में नहीं देख सकते हैं. उसको हमको जो उसका economics क्या है, उसका political economy क्या है, उसको देखते हुए ही उसको समझना पड़ेगा और इन models को देखना पड़ेगा. I think I should stop now because मैंने टाइम ठीक ठाक ले लिया है. तो बाकी अगर और कोई सवाल होंगे तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट लेटर. थैंक यू. साथी वसुंधरा ने काफी संक्षिप्त में अभी एक साल में जितना कुछ हुआ उसका तो समरी एक रखा. मतलब इसमें दो चीज मुझे लगा जो गौर करने का है. एक तो आपने जैसे जो इस पे खत्म किया कि ग्रीन एनर्जी और ग्रीन पावर के नाम से बेसिकली ये पूरा डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, और ये बहाना हम लोग बार बार देख रहे हैं. हाल ही में हमारे दिल्ली के पास में ही फरीदाबाद के खोरी गांव में हमने देखा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर उठा के हजारों लोगों को अपने बस्तियों से उच्छेद किया गया, और उसी के बगल में जो 5-star होटल चलते हैं उसी जमीन पे जो तथाकथित फॉरेस्ट लैंड है उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई. तो ये जो ग्रीन टर्मिनोलॉजी को यूज करके एक एंटी पीपल एजेंडा को लागू किया जा रहा है, ये भी गौर करने की बात है. और जैसे आपने बताया कि जो टैक्स सब्सिडीज मिले हैं ग्रीन एनर्जी के लिए उससे सबसे ज्यादा फायदा उसका हुआ है किसी को, तो वो अडानी ग्रीन एनर्जी है और टाटा है जो सबसे पहले अभी ग्रीन पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो असम में जो इतिहास रहा है कि एक तरीके का पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही एक तरीके का जो एक्सप्लॉयटेटिव एक रिश्ता रहा है कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेस को एक तरीके से लूट किया जाए, वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे भी चल रहा है. हमने हाल ही में देखा कि डिब्रू साइखोवा के में जो बागजान ऑयल फील्ड है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, उसमें जिस तरीके का विस्फोट हुआ और उससे जो प्रकृति पे नुकसान हुआ उस पर काफी कम चर्चा हुआ. और यहाँ पे जो हजारों सालों से काफी मतलब सदियों से एक ही प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बना के रह रहे हैं उन्हीं को स्थापित किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी के नाम से. दूसरी जो पॉइंट आपने रखी कि किस तरीके से असम टेनेंसी एक्ट को वायलेट किया गया है, 81 में शायद जो वहां पे संघर्ष हुआ था जिसके तहत रियोतवारी सेटलमेंट का अधिकार उनको दिया गया वहां के किसानों को, उसी को सबसे पहले सरकार उल्लंघन कर रही है. शायद पिछले साल कोई नोटिफिकेशन लाके उसको एक्सक्लूड एक एक्सेप्शन बनाया गया था जहाँ पे सोलर प्लांट लाया जा रहा है वहां पे जमीन के अधिकारों को रिकॉग्नाइज करने के लिए. हाल ही में साथी रंजना ने भी एक आर्टिकल लिखा है जगत सिंहपुर के ऊपर, और वहां पे भी वो बताती है कि कैसे सरकार ही सबसे पहले अपने कानून का उल्लंघन करती है. क्योंकि जगत सिंहपुर में जहाँ पे जमीन अधिग्रहण किया गया था पॉस्को के लिए, उसके बाद जो कानून है वो बताते हैं कि 5 साल के अंदर अगर जमीन का प्रयोग नहीं किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए तो उसको लौटा देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का भी 2015 का वर्डिक्ट है जो ये बोलता है. सिंगुर में जो टाटा के लिए अधिग्रहण हुआ था वो जमीन वापस लौटाने का एक जजमेंट भी आया था, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जजमेंट के बावजूद भी जगत सिंहपुर में फेंसिंग किया गया. तो इस आर्टिकल जो रायट और जनपद में आया है प्रकाशित हुआ है वहां पे साथी रंजना लिखती है कि सरकार ही अपने कानून का सबसे पहला उल्लंघन कर रही है और सरकार ही आज जमींदार बन गई है. द गवर्नमेंट इज द स्टेट इज द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड टुडे.
तो इसी के साथ मैं साथी रंजना को बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे साथ साझा करे कि आज जगतसिंहपुर में क्या हालत है, जब आप वहां पे पिछली बार गए थे आपने क्या देखा, और साथ ही में आपका जो अनुभव रहा है पिछले दशकों में जो विस्थापन विरोधी आंदोलन हुए हैं, जो जगतसिंहपुर में पॉस्को के खिलाफ आंदोलन हुआ, कलिंगानगर में आंदोलन हुआ, और भी अलग अलग जो आंदोलन के साथ आप जुड़े रहे हैं, उसका अनुभव हमारे बीच में साझा करें साथी रंजना। आपका शायद म्यूट म्यूट है। हाँ सारे साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन, कलेक्टिव को बहुत शुक्रिया ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि 14 तारीख के क्रैकडाउन से पहले बहुत बेचैन हो रहे थे हम लोग कि कैसे दिसंबर 4 से 14 के जो घटनाएं हो रहे थे कैसे बाहर को ये संदेश दे, ये जानकारी दे। और कलेक्टिव का भी जब नाम सुना था पहले कुछ लोगों को मैं जानती थी, बट इतना दूर अभी आ गई हूँ कि मुझे एक जो पेसिमिज्म ऑफ द इंटेलेक्ट में एक आशा भी आ गई कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके एक दो एक्शन से पहले मुझे पता चला। तो अभी आज जो मैं पेश भी कर रही हूँ वो कलेक्टिव ही है, वो सवाल भी कलेक्टिव है, वो सामूहिक है, उसका पहचान भी सामूहिक है, और वो है कि किस तरह से पूंजीवाद आगमन और पूंजीवादी का प्रहर जो है किस तरह से हम इसको समझते हैं, जबकि सालों चला गया यही समझते हुए कि हमारा अर्थनीति का चरित्र क्या है, और उस इंटेलेक्चुअल काम से और जो हकीकत हो रहा है ग्राउंड लेवल पे उसको हम कैसे नए थियोरी बना सकते हैं, नए समझ बना सकते हैं, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं पूंजीवाद ताकतों के खिलाफ उनके संघर्षों में हम लोगों का भूमिका क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज और अभी के जो इंटेलेक्चुअलाइजिंग हो रहा है यही पूछा जाता है कि तुम कौन हो इसके ऊपर या उसके ऊपर बोलने के लिए, मगर मैं एक पीढ़ी से आई हूँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हिसाब से, जो कुछ पुराने सम ओल्ड विजडम स्टिल परसिस्ट्स इन अस कि एन इंजरी टू वन इज एन इंजरी टू ऑल, सबसे मुख्य चीज है कि लैंड टू द टिलर। तो इसीलिए कुछ चीजें सवाल ही नहीं होता है जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन करते हैं, ना ही हमारा भूमिका को लेकर कुछ संदेह है, मगर ये जरूर है कि पूंजीवादी ताकतों का जिस तरह से आगमन हो रहा है उनका चरित्र बहुत जोर से बदल रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि वो एक सैनिक चरित्र हो गया है, एक मिलिट्री एपरेटस आज उनके साथ है, स्टेट का चरित्र भी बहुत पावरफुल हो गया है। 150-200 साल से पहले जब मार्क्स ने जिस तरह से रखा था, इस तरह का स्टेट का चरित्र विजन नहीं किए थे हम लोग ने, या जो भी विश्वास रखते हैं मार्क्सवाद में। और सबसे ज्यादा है कि किस तरह से पूंजी अपने एजेंडा को आगे लेने के लिए हम लोगों में से ही कुछ लोगों को अपना लेते हैं, सिर्फ पैसा से नहीं मगर लाइक द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम सबको विकास का सपना दिखाते हैं, और जो लोग लड़ते हैं उनके अंदर विभाजन कैसे लाते हैं, और जो प्रिविलेज्ड होते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उच्च जात इंटेलेक्चुअल्स जो है चाहे भुवनेश्वर में हो या दिल्ली में, कैसे इन चीजों को ट्रिविया जैसे समझते हैं, नॉन इश्यूज जैसे समझते हैं, किस तरह से मजाक किया जाता है लेफ्ट फैक्शंस में, किस तरह से लड़ाई होता है, बट दे डू नॉट सी हाउ द फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म आर डिवाइडिंग कम्युनिटीज, क्रिएटिंग फ्रेगमेंटेशन इन कम्युनिटीज एंड इन किनशिप टाइज। तो मैं शुरू में एक बहुत फेवरेट कोटेशन एक एक रोजा लक्समबर्ग का सुना रही हूँ। मैं जानबूझ के आई एम नॉट गोइंग टू द इवेंट्स जस्ट नाउ, क्योंकि हम लोगों को पूरा इंटरनलाइज कर नहीं पाए। यहाँ स्वाति भी है, वो सीडीआरओ की टीम पे अभी गई थी, वो भुवनेश्वर की दोस्त है, और वो ढिंकिया को जितना मैं जानती हूँ या शायद उससे ज्यादा वो जानती है। तो कुछ सवाले मन में आ रहा है मगर अभी सोचने का या इंटेलेक्चुअलाइज करने का समय नहीं है जबकि करना चाहिए। तो बार बार एक एज अ रोजा लक्समबर्ग जो ऑलमोस्ट आई थिंक 1919 में उनका मौत जब हुआ था, वो 50 साल के भी नहीं हुए थे, उनको मारा गया था, उन्होंने कहा था कि कैपिटल इज फेस्ड विद डिफिकल्टीज बिकॉज वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द ग्लोब सरफेस आर इन द पोजिशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव नो डिजायर फॉर कम्युनिटी एक्सचेंज और कैनॉट दैट
they are in position of social organizations that have no desire for commodity exchange, or they cannot offer for sale the productive forces in which capital is primarily interested. And she had said that the most important of these production forces is, of course, the land, its hidden mineral treasure, its meadows, woods, and water. ये जो लैंड हिडन मिनरल ट्रेजर मेडोस वुड्स एंड वाटर जो उन्होंने 100 साल पहले कहा था, ये हमारी हकीकत में अभी हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं, मगर अपने संघर्षों में, अपने आंदोलन में, अपने वाक्यों में ये ला नहीं पा रहे थे कि किस तरह पूंजीवाद आगमन जो हुआ है वो हम लोग, इवन आई थिंक मेनी ऑफ यू आर सो मच यंगर देन मी, बट हम लोग स्कूल में बड़े हुए थे कि जो तीन प्राइमरी सेक्टर हमारा है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज है, उसके बाद फूड प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग शायद ऐड किया गया है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड विद द कलेक्टिव. सो उसमें से हमेशा एक ब्लाइंड स्पॉट रहा है सारे प्रगतिशील ताकतों का, मार्क्सवाद ताकतों का, नारी आंदोलन का, इकोलॉजिकल मूवमेंट्स का, कि एक देश का एक बहुत बड़ा हकीकत है कि वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में भी लार्ज रीजन्स आर लिविंग ऑन सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन. वो गुजर बसर अर्थनीति में होते हैं, काशीपुर चाहे गोपालपुर में जहाँ टाटा आ रहे थे, वहां केवड़ा का फूल बेच के सदियों से लोग रह रहे हैं, मैनी जनरेशन. सो ऑल्सो बाल्योपाल में या जगत सिंहपुर में लोग पान के पत्ते बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सारे जीवन के सारे नीड्स भी फुलफिल कर पा रहे हैं. मगर उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का ये जो मिनरल कर्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको कहीं हम रख नहीं पाए हैं कि ये कैपिटलिज्म का जो चेंज आया है ये एक्सट्रैक्टिव कैपिटल है. एंड ऑन द फोर्सेस ऑफ एक्सट्रैक्टिव कैपिटल परहैप्स वी कैन लिंक अप टू व्हाट रोजा लक्समबर्ग हैज सेड अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मेडोज द रिवर्स. तो आज उड़ीसा के हर कंकड़ हो या पानी हो, पत्ता हो, रेत भी हो, सबका एक दाम है, सब चीज एक कमोडिटी हो गया है. और इस चीज को जूझने के लिए सिर्फ पुलिस केसेस, यूएपीए के केसेस कम है उड़ीसा में, मगर यूएपीए को छोड़ के बाकी सारे केसेस में अभी भी जो एफआईआर बनाया गया है 14 जनवरी को, उसमें 500 अदर्स लिखा गया है. तो इसमें कुछ मूल सवाल मैं पहले ही रख देती हूँ कि ये लड़ाई किसका है. Is it that it is them and us as we do, as discourse has become? That is it the responsibility of the people of Dhinkia Charidesh ki wo apna bachaye, ki unhone bachaya nahi tha, at what hardships, what sacrifices, and unarmed, peaceful, the people fought against a South Korean steel plant called POSCO. And it took 14-15 years. Today when a 10-year-old girl is missing, the first thing that comes to my mind as a feminist is that this girl was born in 2010 or 11. Maybe when she was born, the Bali Toto aggression was happening. There are infants who were born even at the beginning of the anti-POSCO movement, and there are kids who are born in the middle of it after a few years today, who are at the forefront, who are in their school dresses and school uniforms when they are being attacked and given head injuries. And as is the practice now to keep women and children in the front, assuming that women and children, that the police will be less violent on women and children being in the front. Neoliberal capitalism ka jo aggression hai, neoliberal capitalism ka jo coercion hai, jo unka lathi chalta hai, they see no difference whether you're a man or a woman, whether you're a child. We have heard in Nandigram how kids have also been picked up and flung to a greater distance, to a far off distance. The same has happened here also. So, jaise inhone, jaise सौर्य ने बताया कि ये जो जगह है, पहले मैं बता देती हूँ जो इलीगैलिटीज के बारे में थोड़ा बता के फिर मैं 4 और 14 के बीच में जो हुआ वो बताऊंगी, कि ये जो जगह है ये 51 तक, जब तक उड़ीसा जमींदार एस्टेट एबॉलिशन एक्ट वो हुआ, जब जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हुआ एंड उड़ीसा एस्टेट आई थिंक केम इन 1951, इट बिलोंग टू द राजा ऑफ बर्धमान हु हैड बॉट द एरिया फॉर 5.5 lakhs ऑफ रुपीज. And before that, there were Rajas of the Sandha dynasty who had given up. And when they ran into debts, they sold it to the Raja of Bardhaman. It is very interesting to see that it was sold, put up for auction, and the Raja was able to buy it. And exactly 55 years later, an electorally elected government, sitting in an assembly, sitting in enjoying the votes of the people, is putting it up for auction in 2005. When the first MOU was made, there was a lot of fanfare. Every journalist was singing the benefits of
development that would come. And as if the fight had not been enough, one of the critics of one of the reviews of my book that has come is that, what do I think of unarmed struggle against such a militarized apparatus? Seriously, when you go, when one went to that area in those years, when I recently, abhi to 10-11, maybe for this 10-year-old who's missing, it's a long memory, but for me, it looks like yesterday. Wo area bilkul ek hospital ka orthopedic ward jaise lagta tha, kisi ka rupture, kisi ka ligament tear, kisi ka sar dard. Organizers would repeatedly ask us for gynecological medicines. On my own visit, with a doctor, we checked a woman who was in an advanced pregnancy, and she turned to me and she said that had I been in my town, I would have put her in an ICU right now. What do you say to that? So, and everybody was wanting Flexon and painkillers, and there were untreated ligament tears also, which is worse than a fracture. So if that kind of violence they have withstood to be able to say no, they just kind of exhausted POSCO because of the number of years that went, the way its coffers ran dry, perhaps no company can stand. Our only hope today is the only message that I come to you, not only Swati here or anybody else, but even the Odisha, the SKM Odisha, even the 13 party opposition delegation went to the area, is to withdraw the police immediately. And we have been trying to do that. I've been trying to get in touch with that. Why has there not been a demonstration outside the Odisha Bhavan when so much has happened? So we still need to think of it, that if we cannot, and there is agaraj restrictions here, ये ओमिक्रॉन की वजह से, तो किस तरह से सोशल कैंपेनिंग में कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी डायर सिचुएशन, नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रूटल क्रैकडाउन दैट हैपेंड, इट्स अ डायर सिचुएशन दैट द पुलिस इज कंटिन्यूइंग टू बी देयर, इट्स अ डायर सिचुएशन दैट इवन द एंटायर ऑपोजिशन टुगेदर हैज नॉट बीन एबल टू मूव अपॉन इट, एस ए विद सेल्फ क्रिटिसिज्म, इवन दो आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, इट्स अ डायर सिचुएशन दैट SKM Odisha गिविंग सो मच सपोर्ट हैज मेड नो difference to the Chief Minister Navin Patnaik. And in that way, the entire Modi government and the Navin Patnaik government in Odisha have a lot of similarities. There is no voice amongst their own MLAs or MPs. There is no voice of any of the opposition. There is no democracy. And finally, if any of it is met with punishment or that also, what is much worse is that they live on titbits that is thrown to the people, and they buy legitimacy for themselves, despite violating every law that exists, whether it's the Forest Rights Act or the Land Acquisition Act, and which is what Sorio mentioned, that for the first time in 2013 tak struggle went on. 2013 ke shuruaat mein is three panchayats, actually it's called Dhinkya Charidesh. For reasons perhaps before that it was the Dhinkya Charidesh, I do not know. But it is Dhinkya, Nuagaon and Gadakujangam. And the fourth is Govindpur, which is not a panchayat headquarter, but it's also one site of struggle. The entire land of almost 1200 acres of land was usurped by the last desperate bid. Jo posko ekdam pagal jaise खड़ा था इडको के ऊपर प्रेशर डाल के, उस टाइम 1200 एकड़, हमारे साथी असित उस टाइम एक आर्टिकल लिखे थे क्रिटिकिंग द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, जब वो नेतृत्व चुपचाप देखते गए जिस तरह से गोविंदपुर लूट गया और उसको पीसफुल और डेमोक्रेटिक बोला गया, जबकि घेरा बांध के फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट घेरा बांध के अंदर लोगों को जबरदस्ती फॉर्म साइन करवाए और उसको मीडिया में दिखा रहे हैं कि लो पीपल आर बाइंग इट विद कंसेंट. आज वो उसी गोविंदपुर के लोग ढिंकिया में बार बार जा रहे हैं और उनको उम्मीद दे रहे हैं कि आप लोग कोई फॉर्म साइन मत करो, कोई भी फॉर्म साइन करने के लिए आए तो मना करो, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल नॉट टू साइन दोस फॉर्म्स, जब इतना पुलिस है उनके साथ, JSW के ऑफिशियल्स और पुलिस ये काम कर रहे हैं, एंड इट इज ऑल्सो जस्ट इट इज इम्पॉसिबल टू नॉट साइन द फॉर्म्स. आई एम नॉट सेइंग इट विद एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, आई एम saying it, but it is equally amazing कि ये लोग गुस्से में है, उनका दिल टूटा हुआ है, उनका दिमाग खराब हो रहा है, घर में खाना नहीं बन रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिस तरह से I spoke of the women who were confined to the and not being able to go for any treatment, उसी तरह ही nobody can step out of that area today. तो जब तक 4 दिसंबर से 14 जनवरी तक
हम लोगों को लग रहा था, जमीन पैर पर नहीं लग रहा था टू सी द वे ढिंकिया गॉट इन टू एक्शन एंड गोविंदपुर रीच्ड आउट टू. And उससे पहले नुआगांव had been already been bought off by the pro company lobby. I would like to end my talk after one or two more important points as to who is creating this pro and anti company lobbies and why is it that activists, progressives, writers and intellectuals are dismissive of pro company lobbies. So I'll come to that point later. Who divides and how capitalism divides. पहला है कि द एनजीटी हैड 2017 में जब एक दीवार बनना तो वो लैंड बैंक के लिए बन रहा था और उसी टाइम ही गोविंदपुर के दो लोग ने एनजीटी में मामला डाला है एंड द एनजीटी प्रोहिबिटेड इट सो दे आर वायलेटिंग दैट. जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2015 में जब एक केस बन के अगर कंपनी नहीं बनता है 5 साल तक तो जमीन वापस किया जाए तो उससे पहले मोदी ने नवीन पटनायक ने जो किया है इट्स नॉट अ फ्रॉडियन स्लिप. Now, the lesson has been learned from Modi's Gujarat where land has been transferred to the land bank. So it's a unique thing that there is an existing law called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, which has been changed for whoever believes and have give all their life and efforts to making changes in law. This has come from people's movements. And it is the same law that goes through an amendment in Odisha and in Gujarat. It is the same time that when there was a national law over here to prohibit an ordinance that was asking for restrictive activities during the pandemic when it began in 2020, Navin Patnaik amended that act to be able to say that mining is an essential activity and allowed mining to happen as if they are immune to the virus. The fourth one is the Forest Rights Act. There is no saying what happened to the claims. There is a Forest Rights the Gram Sabha meetings took place and there were forest rights, the claims had been made. And today neither the district administration nor the best of the journalists, nor do I, nor does Navin Patnaik, nor does the Ministry of OEF, nor all the NGOs under the world can say whatever happened to it where three Gram Sabhas sat together and unanimously had rejected it because 3,000 acres of this land is also forest land. तो 2019 के मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रही हूँ, आज शायद स्वाति बाद में ऐड कर सकती है कि 2019 से और 21 के बीच में हुआ क्या. 2019 के नवंबर में एक ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हियरिंग हुआ और इस तरह का हियरिंग्स मैंने अटेंड किया है जहां तुम अंदर बैठे हुए तुम्हें लगता है कि दे कैन एक्सपीरियंस दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज अपोजिंग द प्रोजेक्ट परहैप्स, क्योंकि गाड़ियों में बसों में लोगों को लाया जाता है और जो जर्नलिस्ट जो चाहे उसके प्रोसीडिंग्स कुछ भी हो अगले सुबह 12-13 न्यूज़पेपर्स में आती है कि पीपल हैव एग्रीड टू द प्रोजेक्ट. ये सिर्फ उड़ीसा में नहीं हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, ये झारखंड में भी हो रहा है. लोगों को अंदर आने नहीं देते हैं, कभी कभी लाठियां भी चलाते हैं. इसी तरह ही ये हुआ और उस टाइम गोविंदपुर के लोग जब गए थे तो उनको ऊपर केस भी डाला गया, उनको नजर में रखे थे. आई थिंक स्वाति वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर. बट उससे पहले उन्होंने I just want to say all these things क्योंकि it's a आप लोग है जो समझ सकते हो और इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि किस तरह से कुछ कुछ टुकड़े डाल के लोगों को अपनी तरफ वो लेते हैं. दुर्गा पूजा जो हुआ था 2019 में, दुर्गा पूजा के जो मंडप बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा कर रहे थे गांव के लोग, उसमें जिंदल घुस के चंदा दिया है यूथ को. 2019 के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हियरिंग से पहले स्कूल में गाड़ियों में स्कूल बैग्स भर के आ रहे थे तो अपने 2-3 एक्टिविस्ट उसको रोके थे उसको रास्ते पे एंड दे सेंट द गाड़ी बैक. मूवमेंट इतने कमजोर पे चल रहा था, कोई लीडरशिप ही था नहीं उस टाइम कि ये गाड़ियां उनको रोक देते हैं, भेज देते हैं, गाड़ियां वापस चली जाती है स्कूल बैग्स को लेकर. बट इट डजंट गेट रिपोर्टेड इवन इन अ व्हाट्सएप मैसेज बाय मी, वी डू नॉट गेट टू नो. हमें पता चलता है जब 2020 में गोविंदपुर में उन्होंने 2021 में पिछले साल तीन चार एक्टिविस्ट को गोविंदपुर को उन्होंने केस डाला. दे केम इन क्लैंडेस्टाइन मैनर एंड एक एक जने को पिकअप किया, अरेस्ट किया और हमें सीधा उनसे ही फोन कॉल आ रहे हैं कि दे हैव बीन टेकन टू द थाना. तो दैट वाज रियली इन अ वे द एंट्री ऑफ जेएसडब्ल्यू. दिस टू इयर्स व्हाट हैपेंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन. They are at work because the pandemic, they have been at work in Sukinda, in Kalinganagar, in Niyamgiri. So they have been at work, but not visible to the people at least.
एंड एक्सेप्ट फॉर द साइक्लोन अम्फान, आई विल कम टू इट लेटर। तो उन्होंने जब इन तीन चार लोगों को लिया, वो टेस्ट किया जा रहा था कि गांव लोगों का विरोध क्या होगा, कितना होगा, बट बहुत ही जल्दी उन्होंने ढिंकिया, जो एक बड़ा पंचायत है और वो अनडिवाइडेड ढिंकिया अभी हम कह सकते थे, उसमें पटना, इट्स लाइक PATANA बट वी प्रोनाउंस इट एज पटना, एंड माहौल विच इज इन इंग्लिश यू वुड प्रोनाउंस इट एज महल ओनली, महलो एंड पटना वर सेपरेटेड, एंड द PUCL स्टेटमेंट विच इज आई थिंक इज ऑन ग्राउंड जीरो, यू विल बी एबल टू सी कि उन्होंने नया रेवेन्यू विलेजेस बहुत ही तुरंत बना रहे थे। अगर हम कह रहे कि हमें पता नहीं क्या चल रहा था, यही चल रहा था दैट द डिवाइडेड ढिंकिया टू बी एबल टू वीकन द यूनिटी ऑफ द पीपल, लोगों को एकता कम करने के लिए उन्होंने दो बना भी दिया और फिर भी लोग लड़ रहे हैं ढिंकिया में। देवेंद्र सोय हैड कम अप, ही वाज सेइंग नो, अभी भी वो जेल में है, ही इज सेइंग कि मुझे एक साल भी रोक दो मगर पान बरज यानी बिटल वाइन प्लॉट्स को तोड़ो मत। तो आई डोंट नो हाउ political or what, how radical that statement is, but यही लोग चाहते हैं। बट जब ये लोग 4 तारीख को उन्होंने जब देखा कि पटना और महल का बिटलवाइन प्लॉट्स उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, जब पान बरज कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो वेदर दिस कॉल इट बरज, बट पान के जो प्लॉट्स को जब तोड़ने लगे हैं, तो लोगों को पता चला कि सिर्फ ये, एंड लोगों को क्या हम शर्म आती है बोलने के लिए कि हम लोग भी हर रोज एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगला मूव क्या हो रहा है। एंड एक सवाल जो मेरे अपने साथियों के, स्वाति को, मेरा को ऑथर निगम को, PUCL के प्रमोदनी को, ऑल ऑफ अस वर थिंकिंग दैट दिस कैन नॉट बी फॉर अनदर 1300 एकर्स लैंड। POSCO वांटेड 4400 एकर्स लैंड, they had already got 2700 in the land bank, तो सिर्फ 1300 के लिए इतना नहीं कर रहे होंगे इतना सारा चीज। तो यही अभी रिवील होके आ रहा है, they are the grand, the more grand plan of the Odisha government। तो 4 तारीख को ढिंकिया के लोग ने प्रतिरोध किया, उन्होंने बैरिकेड्स बना दिया, बैरिकेड्स में बैठ गए, आप सब ने उसको मीडिया पे देखा होगा, और ज्यादातर 14 तारीख के बाद जब वो बन गया तो लोग अंदर थे, और ये जो पान का प्लॉट्स है वो इट इज क्लोजर टू द सी, तो वो जा नहीं पा रहे थे, मगर उनको सुनने को मिला कि वो भी तोड़ने लगे हैं, ढिंकिया का भी तोड़ने लगे हैं। तो पीपल आर नॉट एबल टू रीच आउट एंड दे आर गेटिंग टू हियर दैट दे आर प्लॉट इज बीइंग ब्रोकन अप। नाउ ये जो पान का बरज, मैं दो लाइन में बता रही हूँ कि ये 2-3 साल में आपको 2-3 बार साल में मिनिमम, कब कुछ लोगों का 4 बार भी क्रॉप मिलता है। धाड़ी कहते हैं, विच इज ए लाइन या लकीर उसको कहते, तो एक में 20 होता है, एक में 200 सैपलिंग्स मत बोलो, इंग्लिश में क्रीपर्स बोलोगे, तो एक धाड़ी में अगर 200 क्रीपर्स है तो जिनका 100 धाड़ी होता है वो मिडिल समझो, जो ज्यादा क्रीपर्स वाले होते हैं उनका 500 होता है, जो सबसे बड़े होल्डिंग्स से उनका, जिन साथियों को हम जानते हैं 50-60 होते हैं, बट एटलीस्ट 100 क्रीपर्स, 100 धाड़ी के प्रोडक्शन अगर साल में 3-4 बार भी होता है, तो सारा खर्च करने के बाद भी इन लोगों को कम से कम 4 लाख रुपए साल में मिलता है। ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ एक दो मीडिया आर्टिकल्स आए हैं जिसमें उसको बहुत इन्फ्लेट करके बोला है कि 8 लाख 10 लाख आती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मासा का मिनिमम वेज के लिए आप रख रहे हो 25,000, आप समझो 30,000 आ रहा है। मगर जब साइक्लोन हुआ था 2020 में, उस टाइम उन्होंने वो इन्वेस्ट भी किए हैं पिछले क्रॉप से, और ये पत्ता बिटल लीव्स तैयार हो गया है जाने के लिए, इट गोज टू MP, UP, इट गोज अप टू बॉम्बे ऑल्सो, बट द क्रॉप वेंट वेस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। लॉकडाउन का स्थिति किसी को पता नहीं था, बार बार उन्होंने 2020 में बढ़ाया, तो ईच टाइम दे वर गेटिंग इन टू लोन एंड दे वर गेटिंग देयर क्रॉप्स, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 2020 में इस इलाके के लोगों ने इंडेबटेडनेस में, ऋण में चले गए, बट अगेन दे वर रिकवरिंग आउट फ्रॉम इट व्हेन अ सेट ऑफ साइक्लोन्स हैव हैपेंड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इट? जब वर्कर्स पैदल लौट रहे थे, उस टाइम हम रूरल इकोनॉमी की बहुत बातें कर रहे थे, बट हियर देयर इज अ ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी जो उनको काफी पैसा दे रहा है, उनको, उनके बच्चों को, लड़कों को, महिलाएं बरज में काम नहीं करते हैं, उनको 10 से 5 बजे या 6 बजे तक काम करने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, आके सो जाते हैं, तो बाप या बड़ा भाई काम करता है। उनका जो जीवन शैली है, उनका जो आराम है,
अभी ये सच है कि पूरा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब हाथ जोड़ के कहते कि वी वर बेटर ऑफ देन व्हेन दिस न्यू लिबरल रिफॉर्म्स केम एंड वी वर एक डिफेंसिवनेस में हम आ रहे हैं। बट सचमुच आप अगर ढेंकियाचारी देश को देखोगे तो उनका बैकब्रेकिंग लेबर ऐसा नहीं है जैसे कि काशीपुर में या नियमगिरी में आप देख सकते हो आदिवासी समाज में। तो अभी भी बहुत गर्व से बच्चे कैसे, एक आदमी अभी इसी विजिट में ही बोल रहे थे कि हम तो कम से कम 10,000-15,000 का मोबाइल ले सकते अपने बच्चों को, व्हाटएवर वी मे एक्ट स्नूटी अबाउट दिस प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म, दैट बिटल वाइन कल्टिवेटर कैन से एंड द सन टू स्टैंडिंग विद हिम इज टेलिंग मी दैट जब मेरा मन करता है मैं चला जाता हूँ और मैं मोबाइल में ब्राउजिंग करता हूँ। सो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी फॉर देम। That autonomy will go, जो तीन formats का जो भी है, जो peasant resistance के ऊपर जो हो रहा है, जो आदिवासियों के ऊपर हो रहा है, जो beetle cultivators के ऊपर हो रहा है, it is the autonomy, it is the freedom, it is the self-reliance of communities of peasantry, चाहे वो आदिवासी peasantry हो या beetle cultivators हो, which is under attack today. So, to get back to the fort, till the 14 तारीख तक ये चल रहा था, I went twice in between. बट 14 तारीख को जब कुछ लोग निकल रहे थे अपने गेट से ढिंकिया का, जब बैरिकेड से निकल के बाहर जा रहे थे माहौल, और पटना के लोग भी उनको जुड़ रहे थे, हम लोग भी जब ओडिशा एसकेएम के साथ गए थे तो पता नहीं हम कितने 100 लोग शायद शुरू हुए एंड वी जस्ट वी लॉस्ट ट्रैक बाय द टाइम वी वर लुकिंग पीछे अराउंड मोर देन 2000 पीपल वर देयर दैट डे बिकॉज वी वॉन्टेड टू सी द बिटलवाइन प्लॉट्स विच द पीपल वर नॉट बीइंग एबल टू सी। उसमें Maybe the backlash has happened because of that. It can happen under any rules. तो जब वो देखने गए हैं तो बहुत ही emotional और upset भी हो गया, और लाठियां लिए थे। उड़ीसा के SKM के leaders ने उनको appeal किया कि जिस तरह से बार बार provoke करके दिल्ली में मोदी सरकार लोगों को भड़काते हैं, उनको केस में, झूठे केस में डालने के लिए, वैसे वैसे हम भी नहीं फंसेंगे, सब लाठी छोड़ो फिर हम निकलते हैं। And they gave them the confidence, but and we went and saw and we came. But 14 तारीख को जब ये हुआ तो it was a planned attack now from secondary sources, that also not secondary, from other people that we are getting to know. There is no systematic information coming, despite having written this article and all. It's just we are doing this all openly on the phone only. So उनको जब उनको मारा गया तो उसमें लड़कियां भी थे, महिलाएं भी थे, बहुत कुछ, बहुत महिलाएं जाके छुप भी गए और बहुत आदमी लोग भी मिसिंग में आए। तो अभी परसों मेरे को एक जने का फोन आया, नॉट दैट आई वॉज लुकिंग फॉर हिम बिकॉज वी डोंट नो हु टू कॉल अप एंड हु वी डोंट, बट उन्होंने कहा कि आप जो मिसिंग देख रहे हैं फरार हूं मैं अभी नहीं लौट रहा हूं। तो जब 21 तारीख को, तो 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ऑल आर ब्रेथ्स वर सस्पेंडेड, माने आप उसको इमोशनल कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, आप एम्पैथी बोल सकते हो, वी जस्ट डिड नॉट, आवर माइंड्स वर नॉट वर्किंग, वी डिड नॉट नो व्हाट हैड हैपेंड, कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम उस टाइम जाके भी देख नहीं पाए। 15 तारीख को जब गए तो वी वर रफ्ड अप, आई वॉज रफ्ड अप, बट द पॉइंट दैट आई विश टू मेक इज दैट दिस प्रो कंपनी लॉबी दैट केम एंड यूज्ड, मां बहन की गालियां यूज किए थे प्रफुल्ल सामंतराय के ऊपर, That hatred is the same as the hate speech which privileged Hindus ignore, which only Muslim activists speak up to say that how hate speech is generated in a society. Here hate speech is, because we know how tough, how difficult, how uphill it is to make people angry about the forces of capitalism or come together or even organize, you know. So when they're so organized to be able to hurl such abuses and very sexist abuses, very casteist abuses also, You can see the minds that are going into it to create a barrier between the people and us. So 15th, we were not able to go. We had come back on that day. On the 21st, then all party meeting went. And unfortunately, मैं आप लोगों के साथ बहुत frankly share कर रही हूँ कि बहुत लड़कियाँ, बहुत महिलाएँ TV के channels भी थे, कुछ उड़िया channels के, और I just put one link on the article and write because मैं 14 तारीख तक एक script बनाया था, but ये जो बड़े it's very disempowering sometimes to write for these blogs because they want the story to be balanced. They don't want you to use the word capitalism. तो crackdown के बाद मैंने बदल दिया, मैंने बोला कि जो बोलना है बोलूंगी and I haven't said enough in it still. But they have literally kind of
यू लिटरली हैव 10 नॉट लिटरली 10-11 साल की लड़कियां इतने ट्रॉमा में है, एक दूसरे को थपथपा रही है कि कांदुना कांदुना लुमा कांदुना, विच मीन्स रो मत बेटी रो मत. 10-11-year-old girls are consoling each other. There are women who have disappeared. There is a woman who came and said, spoke in front of the opposition party meet that how she's still living outside and for fear of arrest that will happen when they come back. So again, after that began the which was we were did not realize for a week. Perhaps the administration kept quiet. And I'll quickly come to my last point. They continue. They despite so much of resistance within, and therefore any demonstrations outside Odisha would have been a huge help, because Naveen Patnaik, like Modi, is again most concerned about his image. So I'll just tell you. These are also things we are discovering, though it's been on the media. We read, and like intellectuals, we share this information. But we are seeing the drama enact before us that it is not 4,000 acres of land that the government wants. The government wants 7,000 acres. It is not that, you know, if Nuaga is pro-company or Govindpur is upset that Dhinkia did not come to its rescue in 2013. It's the whole of Dhinkia which will be, it's the whole of Jagat Singhpur district which will be destroyed. There is a pipeline being made of 300 kilometers, so, and waters will be diverted to it. There will be the entire, it's an entirely fragile coastline. So even in 2019, when all of us were waiting for the results of the elections, hoping that whoever is in power would not win, before the results came out and after the elections, Odisha went through a devastating cyclone and we were cut off from the rest of the country. But that was not enough. In October and November, when we were organizing meetings for the hearing, we were forced to postpone the meetings क्योंकि अम्फान भी आया. अम्फान और एक साइक्लोन का नाम है, सारे साइक्लोन्स का नाम होता है और सारे वायरस का ही नाम होता है. लोगों का कोई अस्मिता ही नहीं है इस देश में. तो ये जो बार बार ये हो रहा था, तो ये जो कोस्टलाइन है उसमें 13 या 14 पोर्ट्स बनाने का भी प्लान है. और उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने वाले हैं, PCPIR. सीरियसली मैं भी विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ क्योंकि आई थिंक द पॉलिटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई नॉलेज और माई एक्सपर्टीज. तो ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु में हो रहा है. और एक एंकर टेनेंट बनता है. एंकर टेनेंट वो है, अगेन मुझे देखना पड़ा मीनिंग, आजकल तो स्मार्टफोन हाथ में है. तो एंकर टेनेंट इज समबडी यू पुट ओवर देयर हु अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट फॉर अदर कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट. तो एंकर टेनेंट इनको कौन मिलता है? IOC मिलता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनीज. उन्होंने उसी दौरान में पारादीप फॉस्फेट्स, अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी को पूरा डिसमेंटल किया है, जो कि कोई अखबार में नहीं आया है. बैंक में हमारे रिश्तेदार नौकरी करते हैं, वो बताते, पता नहीं, आई वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट सम एम्प्लॉय केम एंड सेड दैट दे आर शटिंग डाउन द भुवनेश्वर ऑफिस. ओनली देन वी गेट टू नो दैट इट्स कमिंग डाउन. सो उन्होंने जो बनाया है वो एक ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर है. एंड इन 2020 Naveen Patnaik government was very keen to woo the support of the center to be part of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust. So usme port-led industrial development hoga aur jo mining jo ho raha hai hinterland mein wo export hoga, aur usse zyada they will also do development through the waters. So ek national highway 16 major airport aur seaports ek bahut bada role usme play karega. और ये जो ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और बार बार जब हमारे किताब का उड़िया वर्जन आया था, जब हम चिलिका गए थे देने के लिए फिशर लोगों को, तब से बोल रहे हैं स्वाति खुद, बल्कि आई एम कन्फेसिंग टू हर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, स्वाति 2 साल पहले से बोल रहे हैं कि ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर का इन्फॉर्मेशन हमें निकालना है. तो अदर देन ब्राउजिंग वी हैव नॉट बीन गोइंग बियॉन्ड इट. बट OEC का जो आइदर साइड में 100 किलोमीटर रखेंगे, जो कि 19 जिला को कवर करेगा, ये ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर. और ये जो 19 कॉरिडोर है वो 63% स्टेट का एरिया को कवर कर रहा है,
और उड़ीसा स्टेट के 75% आबादी को कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्लान है जिसमें जिंदल स्टील वर्क्स इज अ वेरी स्मॉल थिंग। वी वर वेरी शॉक्ड दैट हाउ जिंदल इज कमिंग विद अ कैप्टिव जेटी एंड अ थर्मल पावर प्लांट। ऑल द डिटेल्स आर देयर, आई एम नॉट गोइंग टू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, बट एंड हाउ इट इज मच बिगर देन POSCO, बट एक्चुअली इट इज रियली स्मॉल कंपेयर टू द प्लान विच दे हैव पुट फॉरवर्ड। And the corridor would connect the mineral-rich hinterland, having 86% of coal reserves. So I'll stop here. I had in mind to read out a couple of anecdotes from the book, but I would rather end it with the tyranny of capitalism and how much. Why do we leave questions of ecology to experts? They do not bring the people. Why do we not understand the political economy? Economists have compromised in a very serious way. I am very bad with numbers. I don't even know how to get the change back after buying a film ticket. But I break my head to understand, because if we do not unravel this, if we do not use the little bit of education we are privileged to have got, my parents, I don't think they have been able to pay their loans still in, but they educated us in Delhi. उस प्रिविलेज को अगर हम यूज नहीं कर पाए जो स्ट्रगल कर रहे हैं और बोलेंगे कि अगर लोग चाहते हैं तो प्रोटेस्ट होगा भुवनेश्वर में, तो क्या हम नहीं चाहते हैं इस कोस्टलाइन को बचाने के लिए? क्या इफ द ग्राम सभा रेजोल्यूशन ऑफ नियमगिरी एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज हॉल्टेड वेदांत फॉर सम टाइम, वी आर हैप्पी नॉट बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ द डोंगरिया कॉन्थर्स दैट ऑल्सो कम्स, बट बिकॉज द माउंटेन हैज नॉट बीन रेज्ड। इफ POSCO हैज नॉट बीन बिल्ट, वी आर रियली हैप्पी दैट द ओडिशा कोस्ट एंड Rourkela steel plant was enough. Today there are 14 steel plants in Kalinganagar, and there are that many chromite processing plants in Sukinda where the raw material comes for the steel production. So what is it that we need, like Dabur Kalundia from Kalinganagar, Lodha Sikagar from Niyamgiri, Mathura who passed away from Kalinganagar? The one question that they ask is that what do we need? Do we need rice or do we need steel? And that is a question जो एक मास ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एक मास मूवमेंट के तौर पे हमें खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरकार है ये एक एडिफिस पे खड़ा हुआ है उसके 1 रुपया चावल के लिए। आई कैन नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, बट बाय सो इफ वी डू नॉट स्पीक अप अबाउट हु इज वेयर डू वी स्टैंड इन दिस स्ट्रगल, व्हाट इज द कॉर्पोरेटाइज्ड एकेडमिया डूइंग और व्हाट इज द कॉर्पोरेटाइज्ड एनजीओस डूइंग, व्हाई डस एनजीओ वर्क स्टॉप एट अ पर्टिकुलर टाइम, व्हाई डू दे जा कैन व्हाई द हाउ कैन दे सो इजीली गो फ्रॉम वन इश्यू टू अनदर, देन वी हैव टू हैव अ विजन ऑफ व्हाट इज इट दैट वी वांट टू सी, वेयर इकोलॉजी इज ऑल्सो सेंट्रल एंड देयर इज एंड इकोलॉजी बाई इटसेल्फ मीन्स पीपल एंड हैबिटेट, एंड हाउ डू वी एनरिच the theories that have come to us, how do we create a new theory and a new vision? So I'll stop here, I think, and if at all an appeal can be made on social media or demonstration or whatever, if we can organize a one day thing to withdraw the police immediately. Even a couple of us, ye talk se pehle maine gaon mein phone kiya tha aur yahi pucha, to unka yahi kehna hai ki पता नहीं उनका कहाँ से ये तमन्ना, ये जोश आती है, बोले कि अभी भी हम एक दूसरे को, बाय द वे आई डिड नॉट से इट इन द बिगिनिंग बट देयर आर ओनली 15 बिटलवाइन प्लॉट्स लेफ्ट राइट नाउ, गोविंदपुर हैड ऑलरेडी लॉस्ट, नोआगा हैड ऑलरेडी लॉस्ट, तो ढिंकिया में और 15 ही बचा है, तो 21 तारीख से 26-30 तारीख तक दे हैव बीन कंटिन्यूइंग द ब्रेकिंग ऑफ बिटलवाइन प्लॉट्स थ्रू द नाइट विद JSW ऑफिशियल्स एंड विद द पुलिस। So it's almost over, yet people want to fight, yet people want to give support to each other, yet people want us to make a hue and cry that they can do it if first the police leaves. They, in fact, one of them told me at 5:36 p.m., he says, let them arrest as many of us as they want to, we'll get into a condition if all the police can move out. So that's the level of our discourse and a thing. You cannot put it into any theory because it's a subsistence economy, but टोटली हम लोग हम सब मिलकर, वी आर इन अ प्रीडोमिनेंटली पुअर कंट्री एंड अ प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल कंट्री। थैंक यू, आई थिंक आई हैव टेकन मोर टाइम। साथी रंजना को मैं शुक्रिया देना चाहूंगा कि उन्होंने काफी कोई सवाल भी हमारे सामने रखे हैं सोचने के लिए, लेकिन एक जो बात मतलब सॉलिडारिटी देने के टर्म्स में भी रखा गया, इस पे मतलब बोलना चाहूंगा क्योंकि आज इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं, कि
मतलब अभी हम विस्थापन विरोधी आंदोलन को किस तरीके से देखें कि क्या वो दूर कहीं पे कोई एक चीज है जो कुछ आदिवासी कुछ दलित लड़ रहे हैं, या केवल जो पुलिस ब्रुटैलिटी है जो उसका एक हिस्सा है केवल उसको कंडेम करके आगे बढ़ सकते हैं, या उससे गंभीर और भी कुछ सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो बात आई वो एक तरीके से ये दिखाई देता है कि जिस तरीके से जिससे साथी रंजना ने शुरू भी किया कि जिस तरीके से एक के बाद एक गांव और को विस्थापित करके वहां से सीधा पारादीप या आसपास जो भी पोर्ट है वहां से एक्सपोर्ट करके रॉ मटेरियल लूट किया जा रहा है, उसका मतलब वो केवल कोई एक जगह पे सीमित नहीं है, वो आज की डेवलपमेंट मॉडल है। और जो आज का टॉक का टॉपिक भी था कि डेवलपमेंट द डिस्प्लेसेस पीपल, ये केवल कोई दूर किसी बस्ती या गांव देहात में हो रहा है ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन यही आज डेवलपमेंट ही का मतलब डिस्प्लेसमेंट बन गया है। हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कल 2-3 दिन पहले जो बजट आया वहां पे भी एक के बाद एक जो PSU है जो आपके और मेरे पैसे से बने थे, जो टैक्स से सार्वजनिक हित में बनाए गए थे, उनको भी बहुत ही कम कीमत पे बेच दिया जा रहा है। तो ये जो पूरे तरीके से एक तरीके का एक्युमुलेशन का रेजीम आज डेवलपमेंट के नाम पे थोपा जा रहा है, ये हमारे सामने एक सवाल बन के खड़ा है कि क्या हम इसका कोई विकल्प ढूंढ पाएंगे या नहीं। तो कोई भी घटना में केवल मतलब वहां पे जो हुआ, वहां पे जो कानून का उल्लंघन हुआ या जो एट्रोसिटी हुआ उसके आगे बढ़ के क्या हम एक वैकल्पिक समाज परिवर्तन सिस्टम चेंज तक इस लड़ाई को लेके जा सकते हैं नहीं, ये हमारे सामने एक सवाल बन के खड़ा हो रहा है। और जो जो 14 जनवरी के जो दर्दनाक फोटो हमारे सामने आ रहे थे उसको देख के एक चीज हम लोग भी हमारे पोस्टर में लिखे थे जब प्रोग्राम के लिए कैंपेन कर रहे थे कि जो फोटो सामने आए उसको देख के लगता है कि ये तो हम हमारे इतिहास की किताबों में देखे थे कि जब ब्रिटिश राज आ रही थी उस समय जो आदिवासी और किसान विद्रोह हुए थे, जहाँ पे एक तरफ तलवार लेके जो सियासी सोल्जर और सेनापति थे वो एक तरफ होते थे और दूसरी तरफ लोग भाग रहे होते थे। दिसंबर 14 के जो फोटो आए जगत सिंहपुर से वो भी इसी तरीके का एक दृश्य दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तरीके का जो लूट और वो तरीके का जो एक्युमुलेशन जिसके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा हुआ था, वही रेजीम कंटिन्यूअसली पूंजीवाद के विकास के साथ साथ भी ये तरीके का एक रेजीम पूंजीवाद के अंदर रह जा रहा है। तो इसी के साथ लगभग 1.5 घंटा होने वाला है, तो जितने भी साथी हमारे साथ फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कलेक्टिव के तरफ से कि आगे भी हमारे चर्चा में जुड़े रहे, और भी जो कैंपेन और प्रोग्राम लिए जाएंगे कुछ डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ जो कैंपेन लेने की बात हो रही है इस सब में भी जुड़े रहे, और चर्चा को हम आगे गूगल मीट पे चलाएंगे। तो कोई भी और साथी अगर सवाल पूछना चाहे किसी स्पीकर से या अपना बात रखना चाहे तो गूगल मीट पे जरूर जुड़े। गूगल मीट का कोड है KEKPBUQESM, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, KEKPBUQESM। तो यहीं पे हम फेसबुक लाइव खत्म करेंगे और सवाल जवाब में जाएंगे वक्ताओं के साथ।